वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियोस में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और VVIP प्रश्न बताने वाले हैं जो कि 2 मार्च का हर साल एग्ज़ाम में पूछता है। और जो भी स्टूडेंट 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, 10th बोर्ड का एग्ज़ाम, चाहे CBSE हो, BSEB हो, UP हो, कोई भी बोर्ड, ये क्वेश्चन पूछता है। और ऐसे प्रश्न को हम बहुत ही आसानी से आपको सिद्ध करना सिखाने वाले हैं। और बहुत लक्की है जो आपने इस वीडियो को क्लिक किया, क्योंकि आपको इस वीडियो को माध्यम से आप बहुत ही आसानी से इसको प्रूव करना सीख जाएंगे। कैसे बनाएंगे कि हमें फुल नंबर मिलेगा, वीडियो पूरा देखने के बाद आपको समझ में आएगा। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अप्रिमेय संख्या है। तो इसका देखिए सोल्यूशन कैसे किया जाता है, एकदम बहुत केयरफुली आपको मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले हमको एक लाइन लिखना हो, एक स्टेटमेंट लिखना होगा। यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसको क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हम 3 + 2√5 इक्वल टू हम लिख सकते हैं P/Q, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में होता है जहां Q≠0 है, ठीक है। इसके बाद जो भी रूट वाला पार्ट है, जैसे कि √5 है, इसको एकदम अलग करेंगे, और जो बिना रूट वाला है उसको, है ना, अलग करेंगे। तो यहां हम आगे ऐसे लिख सकते हैं 2√5 इक्वल टू P/Q। ये +√3 है जो कि बराबर के उस साइड जाके -3 हो जाएगा। अब √5 इक्वल टू, ये 2 गुना में है, इधर आएगा तो 1/2 यानी भाग में, इस तरह से हो जाएगा P/Q -3। यानी कि इस तरह से हम लिख सकते हैं √5 इक्वल टू 1/2 का जब गुना P/Q से होगा तो P/2Q हो जाएगा, और 1/2 का गुना जब -3 से होगा तो -3/2 होगा। अब थोड़ा गौर करने की बात है कि जो मेरा LHS पार्ट है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, वो रूट में है, और जो RHS पार्ट है, ये जो देख रहे हैं, वो भिन्न में है। तो जो रूट वाली संख्या होती है वो क्या होता है, अपरिमेय होता है, और जो भिन्न में है वो क्या हो जाता है, परिमेय हो जाता है। अर्थात LHS और RHS जो है अलग अलग पार्ट आ रहा है ना। तो इसी बात को अब हम लैंग्वेज में लिख देंगे, है ना, लिखेंगे। चूँकि LHS एक अपरिमेय संख्या, LHS एक अपरिमेय संख्या है, जबकि ये जो RHS है, RHS एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, RHS एक परिमेय संख्या है। तो जबकि हम पढ़े हैं कि LHS और RHS हमेशा इक्वल होना चाहिए, यहाँ अलग अलग आ गया, तो इसलिए हम लिख देंगे कि जो कि विरोधाभास है, क्या है, विरोधाभास है, अर्थात हमारा मानना जो है ना, हमारा मानना गलत है। हमने क्या माना था, तो हमने देखिए मानना गलत हो गया। अब हम शुरू में जाएंगे तो हम देखेंगे कि शुरू में संभव हो तो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय मान लिया था, जो कि हमारा विरोधाभास आ गया, एक दूसरे को ओपोजिट आ गया, यानी हमारा मानना गलत है। इसलिए हम जो माने हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, वो हमारा मानना गलत है। इसलिए 3 + 2√5 क्या है, एक हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ। इसको अब बनाने के बाद आप इसको कोष्ठक के अंदर इस तरह से घेर देना चाहिए। ऐसे करने से कॉपी जो चेक करते हैं, और यहाँ पे प्रूफ हुआ या सत्यापित हुआ लिख देना चाहिए। एक बार पूरा गौर से देख लीजिए, ये 2 नंबर का सवाल हर साल पूछता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई होप डेट कि ये जो आपको मैंने रूट वाली जो संख्या है, परिमेय अपरिमेय सिद्ध करना वाला, वो आपको जो बताया वो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर बताएंगे। और जो लोग भी नए हैं और इस तरह के क्वेश्चंस का सलूशन करना जानना चाहते हैं, और भी बेहतरीन बेहतरीन वीडियो को देखना चाहते हैं,
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसे दोस्तों और साथियों में शेयर करें। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत।